सीट को कैसे कॉल करेंगे, सीट को कैसे हैंडल करेंगे, आज हम इसी चीज पे आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। देखिए सीट हमने जैसे बताया आपको कि एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट और रेंज चार मेन ऑब्जेक्ट है। अब इसमें से आप जो है यहाँ पे हमने सीट्स के बारे में पढ़ना है। तो सीट के लिए देखिए सीट्स के बेसिकली दो नाम होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शीट वन, तो ब्रैकेट में है यहाँ पे शीट वन। तो जो ब्रैकेट में है उसको कैप्शन नेम कहते हैं। ब्रैकेट में होता है उसको कैप्शन नेम कहते हैं, और जो ब्रैकेट में नहीं होता है एक मिनट क्या होगा। अब जैसे यहां पे देखिए शीट वन है, कल के डेट में अगर शीट वन का नाम मैंने यहां पे जैन कर दिया, तो देखिए जैन, ठीक है, तो यहां पे हमने जैन दे दिया। ठीक है, अब इसके की सीट का जो कैप्शन है ना उससे भी चल सकते हैं, यहां पे सीट वन डॉट सेलेक्ट, तो सीट का जो कैप्शन नेम है उससे भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सीट की कॉलिंग मेथड में सीट का नाम हो गया, सीट की प्रॉपर्टी नेम हो गया जो कि यहां पे ब्रैकेट से पहले दिखती है। उसके बाद आता है सीट का सीक्वेंस नंबर, सीट्स और एज मान लीजिए हमने टू कर दिया तो ये आपका पहला और दूसरे सीट पे चला जाएगा डॉट सेलेक्ट, सीट टू डॉट सेलेक्ट, और एक हमारा एक्टिव सीट हो। तो चार जो है इसका कॉलिंग मेथड होता है, हम चारों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना वर्कबुक्स एंड बुक्स, वर्कबुक्स एंड एक्टिव वर्कबुक, सेम यहां पे ये होता है। जब आपके पास आपको नाम पता है तो आप इसके थ्रू जाएंगे, नाम ना पता हो, नाम हमेशा चेंज होते रहता है लेकिन सीट फिक्स है तो प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग पता चले। लेकिन अगर आपके पास सीट भी पता नहीं कि सीट क्या है और बाकी चीजें क्या है, तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं, इसका सीक्वेंस नेम। जैसे एक फाइल, एक फोल्डर है उसमें 10 फाइलें हो, उसका हर सीट का डेटा लेना है, अब उसका प्रॉपर्टी नेम कैप्शन नेम क्या होगा क्या पता, समझे सर कि नहीं? सर ये प्रॉपर्टी नेम चेंज होता रहता है क्या, अभी फर्स्ट शीट डिलीट हो गया तो? नहीं, कैप्शन नेम चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि हर महीने जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई हो गया ना सर, तो उस केस में हम इस प्रॉपर्टी नेम, क्योंकि प्रॉपर्टी नेम को चेंज करने के लिए कोड का एक्सेस होना होगा, आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसकी जो प्रॉपर्टी नेम ले रखा ना सीट वन, ये वर्क करेगा। हाँ ये तो कैप्शन नेम हो गया, अगर आपने शीट वन डिलीट कर दिया, शीट वन अगर आपने डिलीट कर दिया तो फिर आपको कैप्शन, देखिए क्या दो चीजें होती है यहाँ पे, समझ जाइए सही से समझिए, हम प्रॉपर्टी कैप्शन नेम और प्रॉपर्टी नेम कब यूज करते हैं, हम बात करते हैं कैप्शन नेम। जैसे आप क्या करते हैं कि बार बार सीट को यहां से डिलीट करते हैं, एक नई सीट ऐड करते हैं, बट नाम उसका फिक्स होता है, समझ गए? क्योंकि जैसे सीट डिलीट होती है ना उसका प्रॉपर्टी नेम चेंज हो जाता है, दिख रहा है आपको, समझे? लेकिन कैप्शन नेम तो फिक्स है। तो कैप्शन नेम अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए फैब दे दिया और फैब हमेशा फिक्स रहेगा, तो
आप इसी कोड को लेके चलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चेंज होता है, हर महीने आप चेंज करते हैं, फैब के बाद ये मार्च हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, मई हो जाएगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी नेम को लेके चलेंगे, समझे। अब इस सीक्वेंस नंबर कब पता करेंगे, जब मुझे पता ही नहीं है कि सीट का प्रॉपर्टी नेम क्या है, सीक्वेंस नंबर क्या है, हर सीट पे जाना है तो यहाँ पे सीट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस दे देंगे, ये पहला सीट, दूसरा सीट, तीसरा सीट, ऐसे काउंट करके जाएगा। पर एक्टिव सीट जो सामने दिख रहा है दैट इज एक्टिव सीट, समझ गए। अब चलिए सीट पे होने वाले इवेंट को जानते हैं कि सीट पे होने वाला इवेंट क्या है, ठीक है। तो सीट पे होने वाला इवेंट की हम बात करें तो सीट को ऐड करना, सीट्स डॉट, एक नई सीट को इसने क्या कर दिया, ऐड, ओके। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो सीट ऐड हुई है उसको रिनेम करना है, तो आप लिखोगे एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू, आप उसका नाम दे दीजिए, जैसे कि डेटा या जो भी नाम देना चाहते हैं वो तो नाम दे दीजिए, ठीक है सर। लेकिन मुझे डेटा नाम का सीट ऐड ही करना है, तो यहां पे करेंगे सीट्स डॉट ऐड डॉट नेम और इक्वल टू हम कर देंगे डेटा, ठीक है सर। जैसे आपने सीट ऐड किया, फिर कुछ काम किए, फिर नाम दे दिया आपने, यहां है कि आप सीट का नाम ही डाल दो और उसके बाद जो काम करना काम करो। अब जो सीट ऐड होती है ना, वो जो आपकी एक्टिव सीट है उससे पहले होती है, तो यहाँ पे सीट्स डॉट ऐड, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बिफोर आफ्टर क्या है, बिफोर आफ्टर, आपको सीट किससे पहले किसके बाद ऐड करना है, मतलब मुझे बाद ऐड करना है तो कॉमा देके बिफोर को स्किप कर दीजिए, और यहाँ पे सीट्स, और मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मुझे सीट थ्री ऐड कर, ठीक है, तो सीट थ्री के बाद ऐड हो जाएगा लास्ट, हाँ बाद हो जाएगा, आपको सबसे लास्ट में ऐड करना है, तो यहाँ पे आप दे दीजिए नंबर क्या है, नंबर थ्री, तीन के बाद ऐड हो जाए, लेकिन तीन तो हमेशा होगा नहीं, बढ़ सकता है घट सकता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं सीट्स डॉट काउंट, समझे, शीट्स डॉट काउंट, तो एक काउंट करके अंदर डाल देगा। अब इस ये तो होगी, चलो ठीक है, सीट काउंट होगी हमारे। अब बात करते हैं सीट को मूव या कॉपी करना, जैसे हम लोग इसे उठा के इसे मूव कर देते हैं ना, तो मान लीजिए सीट टू को मूव करना है, तो सीट टू डॉट आपने सिर्फ मूव लिख के छोड़ दिया, तो क्या होगा कि इसको राइट क्लिक मूव एंड कॉपी यहाँ हो, और यहाँ न्यू करके एक नई फाइल में ऐड कर देगा, मूव कर देगा इसको, ठीक है। लेकिन मुझे इसी फाइल में सबसे लास्ट में ऐड करना है, तो आप इसके बाद स्पेस डालेंगे तो क्या आएगा, बिफोर आफ्टर, जिस पे डालना है आप डाल दीजिए, तो सबसे लास्ट में ऐड चला जाएगा। सेम आपका कॉपी में होता है कि आपको सीट टू को कॉपी करना है, आप कॉपी करके छोड़ दीजिए तो क्या करेगा, नई फाइल में कॉपी कर देगा, लेकिन इसी सीट के अंदर करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, आप मूव एंड कॉपी इसी सीट पे नहीं, इस फाइल पे, दूसरे फाइल, जैसे मान लीजिए मुझे बुक वन में भेजना है, इसके पहले हम लगाएंगे बुक वन, लेकिन याद रखिएगा बुक वन ओपन होना चाहिए, बुक वन डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते ना, हम क्या लिखेंगे सी वर्कबुक की कॉलिंग मेथड के साथ, बुक वन डॉट एक्सलेस एक्स, ठीक है, समझे, हाँ सर। एक और क्वेश्चन था, अगर पहले
शीट्स ऐड करना है तो शीट्स डॉट ऐड को शीट्स डॉट काउंट उसके बाद कॉमा डालना है कि पहले हाँ नहीं, क्या क्या बोला आपने, सीट को पहले अगर आपने अभी लास्ट में जोड़ा था ना कॉमा डाल के आफ्टर में डाला था तो हाँ, बिफोर डालना है तो बिफोर डालिएगा, बिफोर डालना है तो आप सी लास्ट शिफ्ट से पहले डल जाएगी ना, यहाँ पे बिफोर में डाल दीजिए, कॉमा मत डालिए, अभी बिफोर में है, कॉमा डालेंगे आफ्टर में हो जाएगा, बिफोर में आएगा, बिफोर मतलब एक्टिव शीट के बाद या पहले, ओके किस शीट के बाद या किस शीट से पहले, मतलब किस शीट के बाद और किस शीट से पहले, काउंट दे दिया हमने, इसका मतलब हो गया सबसे लास्ट सीट, चाहे जितना सीट हो, लास्ट सीट के बाद या लास्ट सीट से पहले। अब सीट को डिलीट करने की बात आई, जैसे मान लीजिए कि सीट टू डॉट हम डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करते ही क्या होगा, जैसे सीट टू को डिलीट कीजिएगा ना, आपके पास आएगा पॉपअप, ठीक गया। तो यहाँ ओके आपको एक छोटा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, यहाँ आपको लगाना पड़ेगा कि एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू, ठीक है, अलर्ट इक्वल टू बॉक्स, क्लियर है। सर तो सीट को डिलीट कर देगा, राइट। अब सीट डिलीट, सीट तो डिलीट कर दिया, सीट को मूव कर लिए, अब सीट को हम बात करते हैं हाइड अनहाइड कर, सीट टू डॉट विजुअल इक्वल टू सीट हिडन, और फिर सीट टू डॉट विजुअल वेरी हिडन। अब हिडन और वेरी हिडन में क्या फर्क है, आपने नॉ हिडन किया तो ये नॉर्मल हिडन, ठीक है ना, जो कोई भी इसको यहां से अनहाइड कर सकता है, लेकिन इसी पे अगर आपने वेरी हिडन कर दिया तो क्या होगा कि उसको अनहाइड करने के लिए कोड ही लिखना होगा, बाहर तक नॉर्मल तरीके से हिडन नहीं हो, एक कोड लिखना पड़ेगा। ये फीचर तो एक्सेल में होता नहीं है ना नहीं, सिर्फ वीपी में होता है ये ओके उसके बाद अगर हम बात करें, मुझे सीट को प्रोटेक्ट करना है, तो जैसे सीट टू डॉट प्रोटेक्ट यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, अनप्रोटेक्ट करना है सीट टू डॉट अनप्रोटेक्ट यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें इक्वल नहीं लगेगा सर, स्पेस स्पेस नीचे आ रहा है ना, इसलिए। तो इतना ही करते हैं ना हम सीट में, और कुछ तो नहीं करते। सर इसमें सिर्फ नंबर लगता है क्या पासवर्ड पासवर्ड नंबर लेके करेक्टर दीजिए, करेक्टर है तो इन्वर्टर को हमें डालना पड़ेगा। इन्वर्टर करना है ओके तो हमने सीट को ऐड किया, सीट को रिनेम किया, सीट को हमने मूव मूव किया, हमने कॉपी किया, हमने सीट को डिलीट किया, हमने हाइड किया, हमने अनहाइड किया, प्रोटेक्ट किया और अनप्रोटेक्ट किया। तो जनरली सीट पे यही करते हैं ना हम। हाँ टैब कलर डालते हैं हाँ, तो टैब कलर डालना है तो यहाँ पे सीट टू डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू कर दीजिए, ठीक है। सर इसमें मेरे को कस्टम कलर डालना है तो पहले रिकॉर्ड मैप थ्रू करके उसका नंबर लेना पड़ेगा या RGB ले लीजिए ना, यहाँ पे RGB। अब बोले नंबर कहाँ से आएगा, तो जो कलर अप्लाई करना है उस कलर पे आप जाइएगा, मोर कलर कस्टम ना, RGB रेड ग्रीन ब्लू, जो कलर को सेलेक्ट करेंगे ना उसका, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड पे, मान लीजिए मुझे इस कलर का चाहिए, यहाँ पे आ गया 51 51 255, ओके ठीक है।
ओके सर, तो ये हमारा शीट का, अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है सर? कल हम इसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करें, ठीक है? शीट्स ऑल सेलेक्ट करना था। शीट्स ऑल जो है और वीवीए कोड के साथ सेलेक्ट नहीं होता है, उसके लिए आपको लिखना पड़ता है कि शीट्स और यहाँ पे एरे ब्रैकेट और यहाँ सीट वन कॉमा सीट टू, इस तरह से जितना कॉमा भी थ्री उतना करना पड़ेगा ना। जी अगर डी सेलेक्ट करना है तो फिर कि वापस किसी एक पे सेलेक्ट कर लीजिए, किसी एक पे, एक पे अपना डी सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे हाँ। यहाँ पे हमने तीन किया ना, किसी एक पे क्लिक करते हो तो डी सेलेक्ट हो जाता है, तो शीट टू डॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद एक और कोड। ठीक है, ओके सर, एक एक कोड आपको भेज देता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड सर। बोलिए सर।